Good morning, friends. Since morning 6:30, 6:45, I am trying to upload the KRACP market analysis dated 18th May, but it seems some technical glitch is there. So that is why just I am trying to make a quick update about the currency market. Currency market now, dollar index is at jo kal aapka close diya tha, wo hai 102.85, currently at 102.87. कल का जो कैंडल है इट सेज अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑल्दो इट इज ब्रोकन द इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल दैट इज एट 102.80 से 103.00 लेकिन वो आफ्टर ट्रेडिंग एट हाई ऑफ 103.11 इट कुड सस्टेन ऑन द हायर एरियाज दैट बीइंग द केस द बिग क्वेश्चन इज दैट क्या ये जो ब्रेकआउट दिया है ब्रेकिंग अबव 103 ये सस्टेन करने वाला है या नहीं इसमें और वन मोर एस्पेक्ट इज दैट आरएसआई आरएसआई नाउ एट 59.26 क्या आरएसआई यहां पे 60 पे डेली आरएसआई 60 पे रेजिस्टेंस लेके दोबारा नीचे की तरफ आएगा यहां पे एक बड़ा क्वेश्चन मार्क सो उसके लिए हमें इंतजार रहेगा डॉलर भी नाउ एट 82.36 कल जो इमीडिएट रेजिस्टेंस था 30.35 उसको ब्रेकआउट करके ऊपर क्लोज दिया था दैट इज एट 82.42 अभी थोड़ा सा सॉफ्ट है लेकिन एनी यहां पे आपका थोड़ा बाय डिप हमें देखने के लिए प्रयास कर सकते हैं ऑल्सो आरएसआई डेली एट 59.89 क्या ये 60 में सपोर्ट लेके दोबारा ऊपर जाएगा इफ डेली आरएसआई टेक सपोर्ट एट 60 एंड देयर आफ्टर मूविंग हायर इन सच अ केस लाइक दिस इन सच अ केस आने वाले दिनों में डॉलर रुपी को एक अच्छा खासा आपको हम फर्दर हायर स्टैंड नहीं देख सकते बट एज ऑफ नाउ आपका जो नीचे की तरफ आपका 82.1015 is expected to act as a support on the higher side 82.45 to 82.50 is expected to act as a resistance uske baad hame daily basis pe RSI ko follow karna hai also the price action ko follow karna GBP dollar currently at 1.2480 jaise ki 15th may ka low ke niche hame ek sell off expect kar rahe the kal ke din mein ek niche ki taraf sustain bhi kiya and traded low of 1.2421 लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया नीचे की तरफ एंड एक डोजी कैंडल या पिन बार कैंडल बनाया हुआ है दैट मींस किसी पिन बार कैंडल में क्या बोल रहा है कि प्राइस रिसेक्शन एट अ लोअर लेवल इसको अगर नीचे जाना है तो कल के लो के नीचे क्लोज देना पड़ेगा आने वाले दिनों में देन एंड ओनली देन यू कैन एक्सपेक्ट के सम सेल ऑफ अदरवाइज एक रेंज बन गया है ऑन द हायर साइड 1.2550 एंड ऑन द लोअर साइड 1.24 सो ये 150 पिप के अंदर में प्राइस थोड़ा सा कंसोलिडेट करने का प्रयास करेगा जब तक आइदर से ब्रेकआउट नहीं करता है इसके बीच में ही प्राइस दोनों साइड में मूवमेंट कर सकते हैं जीबीपी आईएनएल अभी है आपका 82.83 कल ये जो 15 मई का लो है उसको ब्रेक डाउन कर नहीं पाया एंड नियर बाय लो की तरफ आने के बाद फिर ऊपर जाकर क्लोज दिया था बीइंग द केस एक रेंज बन चुका है ये है ऑन द हायर साइड आपका 83.20 से 30 and on the lower side 103.2030 and on the lower side 102.25 से 102.20 के बीच में एक सपोर्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यूरो डॉलर में कल जो 15 तारीख का जो लो है उसके नीचे क्लोज दिया है लेकिन जो कैंडल बनाया हुआ है वो सेटिस्फेक्टरी कैंडल नहीं है इसका रीजन क्या है लोअर लेवल के प्राइस रिजेक्शन हो रहे हैं ऑल्दो इट ट्रेडेड लो ऑफ 0.0810 but closed at 1.083 that in the case ये जो price rejection है the lower level इसका मतलब क्या है इस lower level पे आपका price negate हो चुका है यानी sellers got defeated and the buyers took chunk तो इसको अगर नीचे जाना है तो आपका 17 में के low के नीचे close देना पड़ेगा euro INR में भी एक कल एक डोजी कैंडल बनाया हुआ है एक कंसोलिडेशन हो रहा है डोजी कैंडल इसके लो के नीचे अगर हमें क्लोज देते हैं देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट सम डाउनवर्ड मूव इन यूरो डॉलर देखने वाला बात यह है कि आरएसआई जो है वो है आपका एट 40 सो इसको अगर नीचे जाना है तो आरएसआई 40 के नीचे सस्टेन करना है डॉलर ये अभी है 137.60 ये आपका सेकंड में 137.70 ये लेवल पे प्राइस रिजेक्शन होगा लोअर लेवल पे 133.50 के आसपास आया फिर ऊपर की जाके रिटेस्ट कर रहा है 137.80 से 138.00 अभी देखने वाला बात ये है कि ये जो जोन है 138 का रेजिस्टेंस लेवल इसको क्या स्ट्रेट फॉरवर्ड ब्रेकआउट करता है या प्राइस यहाँ पे रिजेक्शन आने वाले दिनों में आज या कल में हमें इस प्राइस सेशन पर कैसे मॉनिटर करना है अगर नीचे की तरफ रिट्रेस होता है तो हमें सपोर्ट लेवल एक ढूंढना है ऑन लोअर टाइम फ्रेम एंड वी मे लुक फॉर सम बाइंग ऑपर्चुनिटी यानी आईएनआर पे आपका कल एक अच्छा खासा नेगेटिव कैंडल बनाया हुआ है एंड देयर आर हायर पॉसिबिलिटीज की यानी आईएनआर इज हेडिंग टुवर्ड्स 59.50
डॉलर के इंडी एक रेंज में फंसा हुआ है, ऑन द लोअर साइड 1.3280 एंड ऑन द हायर साइड 1.365 के बीच में ही इसको थोड़ा और टाइम पास करने दीजिए। ऑसी डॉलर भी एक रेंज में फंसा हुआ है, ऑन द पॉइंट लोअर साइड 0.6550 एंड ऑन द हायर साइड आपका 6800। इसको जितना कंसोलिडेशन करना है करने दीजिए, एक बार कंसोलिडेशन के बाद ये ब्रेकआउट होता है तो इन सच केस वी कैन एक्सपेक्ट ए ट्रेंडेड मूव, उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। सीएनएच में थोड़ा सा अलर्ट आ रहा है बिकॉज ये रेजिस्टेंस जोन को तोड़ के ऊपर चला गया है, दैट मींस दैट इस कल का हाई जो है वो आपका है 7.0049। इसके हाई के ऊपर जैसे क्लोज दे देगा आज, देन येन में थोड़ा सा नॉट येन यूएन पे एक के प्रेशर बरकरार होगा। इस प्रेशर के बीच में डॉलर रुपये में भी एक अपवर्ड बायस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यूके ऑयल, इको ऑयल में जैसे कि हमारा प्रीवियस एनालिसिस आप देखोगे, यहाँ से 87.30 लेवल से आप 71.50 के लेवल की तरफ एक डाउनवर्ड मूव आया, उसके बाद यहाँ पे बाई करें तो हमारा, आप अगर 5th May या 6th May का डेली एनालिसिस में देखोगे तो यहाँ पे हम ये बता रहे थे कि फर्स्ट बाइंग आफ्टर इट्स शार्प फॉल, फर्स्ट बाइंग पे हम बाइंग नहीं करना है, एक रिट्रेसमेंट का जरूरत होगा, रिट्रेसमेंट 1, 2, 3 या मल्टीपल कैंडल्स का हो सकता है, उसके बाद जब नेकलाइन को ब्रेक करेगा देन वी कैन एक्सपेक्ट ए गुड अप मूव। दैट मीन द केस ये जो आपका 10th May का हाई है करेंटली एट 77.56, उसके हाई के ऊपर क्लोज देने से वी कैन एक्सपेक्ट ए गुड अप मूव, first towards 8050, second towards 8270 and the third towards 85.00. so इसके लिए हमें थोड़ा सा price action को इंतजार करना पड़ेगा and buy dip में play करने के लिए तैयार होना पड़ेगा। US Ten-Year Treasury अभी है 3.562, ये range में फंसा हुआ है, इसको range में ही रहने देते हैं जब तक ये एक consolidation करते रहेगा, तब तक करते रहेगा जब तक ये Fed का rate decisions के ऊपर कुछ means concrete evidence नहीं आ जाते हैं। एक पॉज होगा या यहाँ से हम कट करेंगे या फर्दर हाइक नहीं करेंगे, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद एक डाउनवर्ड मूव अप, नॉट ओनली हम मार्केट एंटायर मार्केट इज वेटिंग फॉर दैट वन। यूएस टू ट्रेजरी भी सिमिलर एक रेंज में फंसा हुआ है, इसको रेंज में रहने देते हैं, जब तक ये रेंज में रहेगा तब तक शांति है। एक बार रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो मार्केट एक डिफरेंट टेक्सचर में लेता रहेगा। सो करेंसी डेली एनालिसिस अभी के लिए इतना, आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा। इफ सो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए अमंग योर फ्रेंड्स सर्कल, आल्सो दोस हु आर सब्सक्राइब टू माय चैनल, रिक्वेस्ट ऑल टू सब्सक्राइब, इट एनकरेजेस द एफर्ट दैट आई एम पुटिंग हियर। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।